दोनों देशों के बीच ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, विकास के हाईवेज बन सकते हैं। इसके मद्देनजर हमारे देशों के बीच दो और ट्रांजिट पॉइंट खोलने पर आज हुई सहमति मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। इन ट्रांजिट पॉइंट्स का खुलना क्षेत्रीय आर्थिक विकास तथा कनेक्टिविटी को भी प्रबल बनाएगा। मुझे खुशी है कि नेपाल और भारत कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर मिलकर के काम कर रहा है। इनकी कुल क्षमता लगभग 7000 मेगावाट है। इन प्रोजेक्ट्स का शीघ्र और सफल निर्माण नेपाल की आर्थिक संप्रभुता का प्रमुख मार्ग बन सकता है। नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क निर्माण पर आज जो समझौता हुआ है, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती प्रदान करेगा। पिछले वर्ष नेपाल ने एक भयंकर भूकंप से उत्पन्न त्रासदी का सामना किया था। आपदा नेपाल पे आई, किंतु पीड़ा हर भारतीय को हुई। भूकंप उपरांत नेपाल के पुनर्निर्माण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत ने $1 बिलियन का असिस्टेंस पैकेज अनाउंस किया था। इस क्षेत्र में आज हुए दो एग्रीमेंट्स, एक $250 मिलियन की ग्रांट का तथा दूसरा 750 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट $ का हमारी सहभागिता को और आगे ले जाएंगे। नेपाल भी आयुर्वेद से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। नेपाल में आयुर्वेद का विस्तार दोनों देशों के सांस्कृतिक और व्यापारिक हित में है। यदि नेपाल चाहे तो भारत नेपाल में आयुर्वेदिक कॉलेज खोल सकता है। प्रधानमंत्री ओली और मैं इस बात से भी सहमत है कि दोनों देश बढ़ते हुए अतिवाद और आतंकवाद से उत्पन्न खतरों का मिलकर मुकाबला करेंगे।